नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा हैप्पी लाइफ विद बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं अपनी एक लिखी हुई कविता आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आप इस कविता को सुने और अगर चैनल पर हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही कविता सुनने के बाद वाह वाह लिख दो या फिर लाइक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। उड़ने के लिए पैर जमी पर रखनी होती है, उड़ने के लिए पैर जमी पर रखनी होती है। शुरुआत जमी से ही सबको करनी होती है। कोई एकाएक बैठे बिठाए बहुत बड़ा नहीं बन जाता, सबको जमी से ही शुरुआत करनी होती है। शुरुआत जमी से ही सबको करनी होती है। तुम ही कहो दोस्तों से छुपाओगे कैसे अपने गम, तुम ही कहो दोस्तों से छुपाओगे कैसे अपने गम। दोस्तों दोस्त तो ओठों की हंसी में छुपा दर्द भाप जाते हैं। जो सही दोस्त होता है, दोस्तों ओठों की हंसी में छुपा दर्द भाप जाते हैं। मन क्यों बदनाम है भटकने और भटकाने में, मन क्यों बदनाम है भटकने और भटकाने में। जीवन पथ भी तो माहिर है हमें भटकाने में, जीवन पथ भी तो माहिर है हमें भटकाने में। जीने की वजह ना हो तो मोहब्बत करके देखो, जीने की वजह ना हो तो मोहब्बत करके देखो। ढाई अक्षर को जीने की वजह बनाकर देखो। जिंदगी की कीमत मौत हमें यूं समझाती है, जब जाती है ना फिर कभी वो लौट कर आती है, जब जाती है ना फिर कभी वो लौट कर आती है। सोच कर देखो क्या वही तुम हो जो पहले थे, सोच कर देखो क्या तुम वही हो जो पहले थे। नहीं, बहुत कुछ बदल जाता है बचपन के साथ, जवानी के साथ बहुत चीजें बदलती रहती है, आदमी भी साथ में बदलता रहता है। सोच कर देखो क्या वही तुम हो जो पहले थे। आंखों में तुम हो मैंने इसे होठों से छुपाया है, आंखों में तुम हो मगर मैंने उसे होठों से छुपाया है। तुमसे वादा रहा सो मैं मुस्कुराया किया, आंखों में ही समंदर को सुखाया किया। सही राहें थी फिर भी हम क्यों भटकते रहे, पथ सही को ही हम क्यों गलत समझते रहे। तरस जाएंगे अब एक दूसरे के दीदार को हम, जाएंगे यहां से तो न कभी लौट कर आएंगे हम। समझ न पाया ए जिंदगी तेरा कोई फलसफा। तुम रहे तो समझा नहीं, जाती हो तो दिखती खपा। बस इतनी इल्तजा है ए मेरी जिंदगी
बस इतनी इल्तिजा है ए मेरी जिंदगी, हर दोस्त को दोस्तों की सदा दरकार रहे, हर दोस्त को दोस्तों की सदा दरकार रहे। भीगते बारिश में भी जिसको अपने दोस्तों के आंसुओं की पहचान रहे, भीगते बारिश में भी जिसको अपने दोस्तों के आंसुओं की पहचान रहे। भीगती बारिश ऊपर से हो रही है, उसमें कोई रो रहा है तो उसे समझ में आ जाए कि ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये तो आंसू है। तो दोस्तों, कविता कैसी लगी जरूर आप कमेंट में बताएंगे, और मैं चलती हूँ, फिर अगले किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।